हेलो नमस्कार दोस्तों, आइए भारत के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। ये एपिसोड है आपका VFD के बारे में। VFD से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उन सभी पॉइंटों को उठाकर आप तक पहुंचाना ही आज का मेरा मूल मकसद है। तो चलिए हम अपने इस एपिसोड को प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने से पहले आपसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, इस सेशन को हम यूं ही आगे बढ़ाते हैं, और इस सेशन को हम तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक कि आपका VFD का इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। दोस्तों पूरे संयम के साथ इस वीडियो को देखिएगा और पूरे ध्यान लगा करके इस वीडियो को सुनिएगा, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा कि VFD क्या होती है और ये कैसे कार्य करती है। तो चलिए पहला हमारा इस सेशन का मेन मकसद क्या है, देखिए ये जो दो फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिगर है VFD का, है ना। VFD मार्केट में क्यों लाया गया, VFD का यूज क्यों हमें पड़ा, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों VFD को समझने से पहले थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में चलिए, और फ्लैशबैक में मैं आपको कहां तक ले जाऊंगा, मैं सिंगल फेज की जो परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है वहां तक लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि उस मोटर के माध्यम से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको VFD बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। दोस्तों जो आपका सिंगल फेज की परमानेंट कैपेसिटर मोटर होती है उस मोटर को आप स्पीड कंट्रोल कैसे करते हैं, एक छोटा सा बटन के आकार का एक छोटी सी डिवाइस जिसको आप रेगुलेटर कहते हैं उसके माध्यम से उस मोटर के स्पीड को आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। देखिए जब आपको अधिक गर्मी लगती है तो आप सीलिंग फैन से चाहते हैं कि अधिक हवा निकले, है ना, और अधिक हवा निकलने के लिए आप रेगुलेटर का सहारा लेते हैं, रेगुलेटर को हाई कर देते हैं ताकि आपकी मोटर हाई स्पीड से चल सके, है ना। अगर आपको कम गर्मी लग रही है तो कम हवा की आवश्यकता है, उस कंडीशन में भी आप रेगुलेटर को ही हाथ लगाएंगे और रेगुलेटर से ही मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। तो भैया यहां पर गेम क्या खेल रहे हैं आप रेगुलेटर के साथ, गेम यह है कि वोल्टेज को आप कंट्रोल कर रहे हैं। सिंगल फेज की जो 240 से 250 के बीच की वोल्टेज है उस वोल्टेज को आप कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि सीलिंग फैन का कनेक्शन VFD से कैसे है, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जो सीलिंग फैन होती है उसमें सिंगल फेज मोटर होती है, और सिंगल फेज मोटर में 220 वोल्ट होती है ना, 220 से 250 वोल्ट। तो रेगुलेटर के द्वारा पॉसिबल है निम्न मान के वोल्टेज को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, लेकिन दोस्तों हम VFD के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इंडस्ट्रियल लाइन में 50 किलोवाट, 1000 किलोवाट, 500 किलोवाट तक की मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं जो 3 फेज सप्लाई पर चलती हैं, और 3 फेज की सप्लाई में 415 से 450 वोल्ट होती है, और आपको पता होना चाहिए कि इतना हाई वोल्टेज का कंट्रोलिंग हम छोटे से डिवाइस रेगुलेटर के द्वारा नहीं कर सकते, इसीलिए वो एग्जांपल मैं आपके सामने रखा। इसीलिए हम 3 फेज सप्लाई को वोल्टेज को कंट्रोल करके 3 फेज सप्लाई द्वारा चलने वाली मोटर की स्पीड को कंट्रोल नहीं करते, इसलिए मार्केट में उतारा गया किसको, VFD को। देखिए जो आपकी VFD होती है इसका पूरा नाम होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। ये फ्रीक्वेंसी को वेरी और अप और डाउन करके ये फ्रीक्वेंसी को घटा बढ़ाकर मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। देखिए दोस्तों जब आप मोटर को पढ़ते हैं ना तो आपकी मुलाकात होती है एक प्यारे से और एक बहुत ही ट्रेंडिंग फॉर्मूला से, है ना। वो ट्रेंडिंग फॉर्मूला क्या है उसके बारे में देखिए, वो ट्रेंडिंग फॉर्मूला होती है NS समानुपाती 120 FS/P, है ना, FS/P। तो ये जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, दोबारा लिख देता हूं मैं, NS समानुपाती 120 FS/P, ये जो आपको सूत्र दिखाई दे रहा है ना, ये सूत्र आपको रूबरू कराता है सिंक्रोनस स्पीड से, है ना। इसका जर्रा जर्रा हर अक्षर स्पीड से संबंधित रखता है, लेकिन यहां पर आप जब गौर से देखेंगे तो NS समानुपाती आपको 120 भी दिखाई दे रही होगी, और इसी NS समानुपाती आपको FS भी दिखाई दे रही होगी। हम बात सिर्फ और सिर्फ इसकी क्यों करते हैं इसको मैं आपको बताता हूं। देखिए जो NS है और समानुपाती 120 है, 3 फेज में R फेज, Y फेज और B, 3 फेज होते हैं, और तीनों फेज में 120 डिग्री का अंतर होता है, यानी कि 2 फेज के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। अगर
आर फेज वाई फेज में भी 120 है, वाई और बी में भी 120 है, बी और आर में भी 120 का विद्युतीय अंतर है। जब तक ये बैलेंस रहेगा, जब तक ये विद्युतीय अंदर मेंटेन रहेगी, तब तक आपकी मोटर प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। अगर 120 डिग्री वाले पे थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ, मोटर अपने घूमने की दिशा को फटाक से चेंज कर लेगा, तुरंत बदल लेगी। लेकिन हमें स्पीड को यहाँ पे चेंज, घूमने की दिशा को चेंज नहीं करना है, हमें स्पीड को कम और ज़्यादा करना है VFD से। इसलिए इस फॉर्मूला को हम बिल्कुल इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, हम बात केवल सप्लाई फ्रिक्वेंसी के बारे में करेंगे, है ना। तो ये है दोस्तों फॉर्मूला जो स्पीड से संबंधित है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो VFD आपको दिखाई दे रही है, ये VFD है दोस्तों स्कावा की, है ना। अलग अलग कंपनियां हैं, ब्रांडेड कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, है ना। वो कंपनी VFD जैसे इक्विपमेंट बनाती है, अब L&T भी बनाने, यानी कि L&T भी बनाती है, स्नाइडर L&T हो गया, स्नाइडर हो गया, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी है जो VFD बनाती है। ये है स्कावा की, है ना। ये ब्लॉक सेट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये मैं आपके सामने क्यों लेकर आया हूं, इसको जरा सुनिएगा। आप चाहे कैपेसिटर बैंक बनाइए, चाहे आप इसको VFD को लीजिए, VFD को कहीं पर भी ले जाकर रख के आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको प्रॉपर एक इंस्टॉल करने के लिए एक सिस्टम होता है, वही ये ब्लॉक सेट पैनल सिस्टम है। इसके अंदर आप यहां पे झांक कर देखेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल आपको नजर आएगा कि ये एक VFD लगी है, छोटी सी और VFD है, यानी कि कुल 3 VFD लगी हुई है जो आपको नजर आ रही होंगी, है ना। इसमें कंट्रोल और पावर दोनों प्रकार की सर्किट डायग्राम है, जिससे VFD को ऑपरेट किया जाता है और मोटर की स्पीड को कंट्रोल की जाती है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग की बात करते हैं, तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए, फ्रीक्वेंसी चाहे सिंगल फेज की हो, चाहे 50 फेज की हो, है तो 50 हर्ट्ज की। अब ये सिंगल फेज में, सॉरी, ये जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ये आया किधर से, है ना, इसको जानना जरूरी है। तो चलिए इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का रास्ता हम ढूंढते हैं। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि कई सौ साल पहले हमारा देश गुलाम हुआ करता था, है ना। कई सारे विदेशियन आए, यहां आए, अपना हुकूमत जमाए और फिर चले गए, फिर क्या हुए, फिर यहां से रवाना हो गए। लेकिन एक साम्राज्य ऐसा था जिसको हम ब्रिटिश साम्राज्य कहते हैं, ब्रिटिश राज कहते हैं, उसने हमारे देश में बहुत दिन, यानी कि सबसे अधिक शासनकाल उसी का था। उसने, देश तो हमारा था, देश तो हमारा था, लेकिन शासनकाल साले उनका था। तो जब शासनकाल उनका था, तो उस टाइम का जो टेक्नोलॉजी था ना, वो भी उन्हीं का था, वो भी ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ही थी। और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी उस टाइम पे अपने शासनकाल में जिस सिस्टम के द्वारा पावर जनरेट करते थे ना, उस पावर में फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज ही था, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन तक हमारे यहाँ रहे, इसके बाद वो सब चले गए छोड़ छाड़ के, है ना, यहाँ से चले गए। जब वो चले गए, हमारी इंडिया हमारे वापस आ गई, हमारे हमारे हाथ लगी, हमारी इंडिया हमारी हो गई। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने सोचा कि अब हम अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाएंगे, अपना खुद का टेक्नोलॉजी बिल्डअप करेंगे। तो कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे, कुछ ऐसे बड़े बड़े महारथी दिग्गज थे जो जिनको देश को चलाना था, वो सोचे जब धरी धराई चीज मिल रही है, तो क्यों हम पैसा खर्च करें अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाने में। क्योंकि देखिए दोस्तों, उस समय तो देश तंगी में रहा होगा, ये तो हम एहसास कर सकते हैं, है ना। जब गुलामी से कोई चीज आजाद होती है, तो कमी तो रहती है, पैसों की भी कमी रही होगी, आर्थिक मजबूरियां भी रही होगी, है ना, कई सारी कमजोरियां रही होंगी, कई सारे चीजों का अभाव रहा होगा। उस अभाव में हमारा जो इंडिया था, वो सोचा कि हम एक काम करते हैं कि जिन जो उनका टेक्नोलॉजी था, उसी टेक्नोलॉजी को हम बिल्डअप करते हैं और अपना टेक्नोलॉजी बढ़ाते हैं आगे। फिर उसने क्या, फिर इंडिया ने क्या किया कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली पावर ही पैदा करना स्टार्ट कर दिया। तो वही फ्रीक्वेंसी आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है और आज तक कोई दिक्कत नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं, यूरोप में और ब्रिटेन, इन भारत यानी कि इंडिया, यूरोप और ब्रिटेन तीनों देशों में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही होती है, है ना। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहां से आया, उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, एक नजर मैं आपको आगे ले चलता हूं। ये जो पूरा सर्किट डायग्राम आपको, ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये पावर सर्किट डायग्राम है। और ये जो प्लेट जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कोई प्लेट नहीं, ये VFD के अंदर का सिस्टम है,
देखिए VFD ध्यान रखिएगा, थ्री फेज मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। सिंगल फेज तो हम रेगुलेटर के द्वारा कर रहे थे, अब थ्री फेज को हम VFD के द्वारा करते हैं। और सबसे बड़ी फायदा क्या होती है VFD को इस्तेमाल करने का, कि स्टार्टर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है मोटर को स्टार्ट करने की, सारा कंट्रोलिंग सारा सेफ्टी इसी VFD के अंदर ही होता है ना, सब कुछ इसी VFD के अंदर होता है। तो देखिएगा थ्री फेज की सप्लाई RYB और ग्रीन, यानी कि यहां से क्या जा रही है, ग्रीन कलर की वायर है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि यह है अर्थ की वायर। तो RYB किसी ट्रिपल पोल MCB के द्वारा हम दे रहे हैं, ट्रिपल पोल MCB को हम उठाएंगे ऑन करेंगे, सप्लाई चली जाएगी खटाक से कहां, हमारे VFD में। VFD अनरोलिंग कंट्रोलिंग करना होगा, जो भी करना होगा इसको करके यहां से आउटपुट निकालेगा, इस आउटपुट को डायरेक्ट हम कहां दे देते हैं, हम मोटर में, और मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको 100% समझ यहां से आएगा। ये जो आपको पूरा सर्किट डायग्राम दिख रहा है, इससे आपको एक एक चीज समझ में आएगा कि VFD एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखिए दोस्तों हम समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर लिखा है 3PH, 3PH का मतलब है थ्री फेस, है ना, और यहां पर लिखा है स्टार, स्टार का मतलब यहां पर जो इनपुट आ रही है ना RYB के साथ न्यूट्रल भी आ रही है। देखिए ये जो इनपुट है ये थ्री फेज की है और इसमें फ्रीक्वेंसी का मान 50 हर्ट्ज है और वोल्टता है 415 वोल्ट की। ये इनपुट हम दे रहे हैं, इनपुट हम यहां से किसको दे रहे हैं, L1 R फेस, L2 Y फेस और L3 B फेस, ये तीन है इनपुट का वायर, है ना। और ये जो आपको पूरा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पावर स्कीम पूरा दिख रहा है ना, पावर कंपोनेंट स्कीम, इसमें देखिए तीन सेक्शन है, पहला सेक्शन को कन्वर्टर सेक्शन, फिर DC बस बार सेक्शन, इसके बाद इन्वर्टर सेक्शन। एक एक सेक्शन को आप समझते चलिए और आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगा। कन्वर्टिंग सेक्शन में क्या काम होता है सबसे पहले उसको समझिए, थ्री फेज की सप्लाई कन्वर्टिंग सेक्शन में हमने दे दिया है ना, ये समझिए VFD के अंदर का पूरा प्लेट है, जैसे मोबाइल के अंदर आपका PCB प्लेट होता है ना, उसी प्रकार से VFD के अंदर भी एक प्लेट होती है, उस प्लेट में ये सब कुछ लगा है और ये वर्क कैसे करता है उस चीज को हम समझ रहे हैं। थ्री फेज की सप्लाई हमने दिया RYB, ये सप्लाई कहां गई, कन्वर्टर सेक्शन में, कन्वर्टर सेक्शन में क्या लगा है, रेक्टिफायर लगी हुई है और रेक्टिफायर के अंदर डायोड लगे हुए हैं और वही डायोड आपको नजर आ रहे होंगे D1, D2, D3 और D4, D5, D6, ये 6 डायोड हैं, यानी कि किस प्रकार का ये रेक्टिफायर कहलाएगा, थ्री फेज की फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सी दोस्तों, थ्री फेज की फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर उपयोग करने का यहां मतलब क्या है, रीजन क्या है, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर हम लगाते तो हाफ वेव रेक्टिफायर जो आउटपुट में DC आपको देता है ना, उस DC में रिपल्स बहुत अधिक होते हैं, हम फुल वेव रेक्टिफायर प्रयोग किए तो भी रिपल्स ही रहते हैं, लेकिन कम रिपल्स रहते हैं, है ना, बेनिफिट ये होता है। तो कन्वर्टिंग सेक्शन को यानी कि रेक्टिफायर को हमने थ्री फेज की सप्लाई दिया। अब इस थ्री फेज सप्लाई में क्या है, देखिए थ्री फेज सप्लाई में है 415 वोल्ट और AC सप्लाई है, इसको ये 24 वोल्ट DC में बदल देता है, ये रेक्टिफायर क्या करेगा 24 वोल्ट DC में बदल देगा। अब 24 वोल्ट DC में बदलने के बाद हम इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं इस पावर को इन्वर्टर सेक्शन तक, इन्वर्टर सेक्शन तक पहुंचाने से पहले हम चाहते हैं कि आउटपुट जो आपको 24 वोल्ट DC मिली है इस पे रिपल्स भी बहुत है, है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में विरूपणता, वो विरूपणता बहुत अधिक, अशुद्धियां बहुत अधिक है, उसको फिल्टर करना जरूरी है, जैसे पानी में गंदगी होती है उसको हम छन्नी से छान लेते हैं, है ना, जो भी गंदगी रहती है वो सब रुक जाती है छन्नी में, बाकी फ्रेश पानी नीचे जाती है, बस वैसे ही पावर में भी दोस्तों पावर को भी फिल्टर करना पड़ता है। छन्नी का काम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो आपको चेंबर दिखाई दे रहा है ना, फिल्टर कैपेसिटर, ये छलनी का काम करता है फिल्टर का। तो 24 वोल्ट DC को फिल्टर करेंगे हम, प्योर DC में बनाएंगे और प्योर DC बनाने के बाद हम इन्वर्टर सेक्शन तक हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इन्वर्टर सेक्शन में तीन कंपोनेंट्स का काम क्या क्या होता है वो, और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट्स इन्वर्टर और दूसरा कंपोनेंट्स है इसको हम कहते हैं IGBT, ये क्या है आपका IGBT, और चौथा क्या होता है उसको हम कहते हैं ऑसिलेटर, चौथा को हम कहते हैं ऑसिलेटर। तो इन सभी का देखिए एक एक करके सुनिए इनका एप्लीकेशन क्या है। इन्वर्टर क्या करेगा, DC को AC में,
क्योंकि ये जो आपको SCIM दिख रहा है ना, ये एक मोटर है ना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर जहां पे नाम आता है तो वहां पर इंडक्शन का होना बहुत जरूरी है। और इंडक्शन गुण किसमें होता है? केवल एसी पावर में। लेकिन यहां पर तो अभी डीसी पावर है, तो डीसी में इंडक्शन तो जीरो होती है। तो हमें इंडक्शन को लाने के लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टर इस 24 वोल्ट डीसी को ये 24 वोल्ट एसी में बदलेगा। ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्टर 24 वोल्ट डीसी को 24 वोल्ट एसी में बदलेगा। ये पावर को केवल चेंज करता है, वोल्टेज को चेंज नहीं करेगा, है ना। पावर तो चेंज हो गया, इसको एसी सप्लाई उपलब्ध हो गई, लेकिन ये 24 वोल्ट में नहीं चलेगी भैया, ये 415 वोल्ट में ही चलेगी। क्योंकि जो कंपनी मैन्युफैक्चर किया है ना इसको, उसने कहा है, उसने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि 415 वोल्ट एसी सप्लाई पे ही ये ऑपरेट होगी, अन्यथा नहीं होगी। उसके लिए हमने IGBT लगाया। IGBT का काम क्या है? वोल्टेज को कंट्रोल करना। ये वोल्टेज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? देखिए 24 वोल्ट को ये क्या करेगा, 24 वोल्ट को ये 415 वोल्ट में बढ़ा कर देगा। कितना? 415 वोल्ट में। एसी इसने कर दिया था, अब वोल्टेज को इसने बदल दिया। ये रहा दोनों का काम। अब मोटर को क्या चाहिए? देखिए मोटर को यहाँ एसी सप्लाई भी मिल गया, 415 वोल्टेज भी मिल गई, मोटर चलेगी। लेकिन अभी स्पीड में कोई कंट्रोलिंग नहीं है। अब असली गेम है ऑसिलेटर के साथ। ऑसिलेटर क्या करता है? 0 हर्ट्ज से लेकर के 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है। क्या करता है? 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करता है, अलग अलग मान वाली। और अलग अलग मान वाली अलग अलग हर्टज की फ्रीक्वेंसी हम इसको देते हैं सप्लाई के रूप में। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम चेंज करके देंगे, वैसे वैसे हमें आउटपुट में मोटर हमें गति प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मोटर अपनी स्पीड को क्या करता है? बदल देता है। आप खुद सोचिए कि अगर हम वोल्टेज को कंट्रोल करना भी चाहें 415 वोल्ट को रेगुलेटर के द्वारा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। और दूसरी बात कि हम ऑसिलेटर के द्वारा है 0 से लेकर के 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, है ना। हम फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए ऑसिलेटर का प्रयोग किए और IGBT से वोल्टेज को बढ़ाया, और हमने इन्वर्टर से क्या किया? पावर को चेंज किया। और सारा इसके इनपुट के अकॉर्डिंग जब सब कुछ मिलता है, पावर में 415 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा और एसी सप्लाई मिलेगी, मोटर आपकी चलने लगेगी। स्पीड को कंट्रोल कब करेगी? जब 0 से लेकर 300 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी किसके द्वारा दिया जा रहा है? इस ऑसिलेटर के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा इस सर्किट डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स लगे थे, उन सभी कंपोनेंट्स का काम क्या है? आपने देखा डायोड्स क्या काम करता है, इसमें रेक्टिफायर है वो अपना क्या रोल प्ले कर रहा है, फिर बस बार चेंबर में लगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिल्टर सर्किट, ये क्या काम करता है, फिर देखा आपने इन्वर्टर क्या काम किया और IGBT क्या काम किया, ऑसिलेटर क्या काम किया। तो इन सभी को लगाने यानी कि VFD को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यह दिखता है। और अगर कोई पूछे ना सबसे बड़ी नुकसान क्या है VFD से, तो एक ही नुकसान है दोस्तों। इसका नुकसान होता है कि इसको हर समय यानी कि जब तक लोड इससे कनेक्ट है तब तक तो नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, धकाधक चलता रहेगा आपका मोटर, है ना। आपकी VFD भी काम करती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इसको। लेकिन अगर आपकी मोटर नहीं लगी है, मोटर डिस्कनेक्ट है, लोड डिस्कनेक्ट है, उस कंडीशन में सर्दियों के मौसम में अक्सर कहा जाता है कि VFD के अंदर नमी आ जाती है, और नमी आने से उसके अंदर के जो कल पुर्जे अलपुर्जे जो भी होते हैं ना, वो सब जंग लग जाते हैं उस पे। और जंग से बचाने के लिए VFD में कंटिन्यू एनी टाइम हमें सप्लाई दे करके रखना पड़ता है, 3 फेज की सप्लाई। चाहे मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है या नहीं करना है, लेकिन VFD को सप्लाई देकर रखना है। इतना जरूर पता होना चाहिए हर इलेक्ट्रिशियन, हर टेक्नीशियन को जो भी VFD से संबंधित काम कर रहा है ना। तो हमेशा उसको सप्लाई दे के रखना पड़ता है VFD को। जब सप्लाई दिए रहते हैं आप ना, तो अंदर से हीट उत्पन्न होती है और वो हीट नमी को सोखता जाता है और नमी उस पे रह नहीं पाती, जिससे जंग नहीं लग पाता। तो यही सबसे बड़ा नुकसान होता है VFD का। बाकी तो आपने देख ही लिया कि कैसे कैसे काम करता है आपका VFD, है ना। तो दोस्तों इस सेशन में
सभी बातें आप तक लगभग लगभग पहुंच चुकी हैं। VFD कैसे काम करता है, कौन कौन सी कंपनी की VFD होती हैं, आपने जितने संयम के साथ सुना इस क्लास को, इस एपिसोड को, उतने ही संयम के साथ इस वीडियो को भी अब आगे भेज दीजिए। ये आपका दायित्व है, ये आपका कर्तव्य है ना, सुने और दूसरों को सुनाए। तो चलिए दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हैं, कौन सा इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर आऊं, आपको कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करना है और हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं। जिस टॉपिक पे आप कहेंगे उसी टॉपिक पे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को आगे जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।